भुवनेश्वर कुमार ने 18वीं उम्र में ही कर दिया था 19वीं ओवर का काम। अगर रात में नहीं चमकता सूर्य कुमार यादव का सूरज तो फिर हो जाता अंधेरा। बल्लेबाजी के दम पर ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। क्या टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव की है जरूरत? भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को हैदराबाद में खेले गए तीसरी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच में भी भारतीय टीम की गेंदबाजी बेहद कमजोर रही। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 50 रन दिए तो भुवनेश्वर कुमार ने भी खूब रन लुटाए। भुवनेश्वर कुमार ने तो 18वें ओवर में ही 21 रन देकर 19वें ओवर का काम कर दिया। आज भी अगर रात के अंधेरे में सूर्य कुमार यादव का सूरज नहीं चमकता तो इंडिया फिर से अंधेरे में डूब जाती। सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 गेंदों में 68 रन बनाए। इस तरह भारत ने बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया से मैच छीन लिया, वरना गेंदबाजों ने तो टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी थी। अब सवाल ये उठता है कि इन फिजड्डी गेंदबाजों को टीम इंडिया कब तक ढोती रहेगी? अगर इन फिजड्डी गेंदबाजों के भरोसे टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रही है तो सपना अधूरा रह जाएगा। इस मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 रनों की धमाकेदार पारी खेली। हालांकि टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिनर गेंदबाजों के भरोसे टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने में कामयाब हो पाई है, वरना तेज गेंदबाजों ने तो हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में पहले टॉस जीता फिर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 168 रन बनाए। भारत ने एक गेंद पहले ही 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन ने 62 रनों की पारी खेली। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने 68 रन बनाए। विराट कोहली ने 63 रनों की शानदार पारी खेली। रोमांचक मुकाबले में भारत को आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी, तब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। डेनियल सेम्स गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर कोहली ने छक्का लगाया, हालांकि इसकी अगली गेंद में कोहली कैच हो गए। तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने 1 रन लिया। आखिरी 3 गेंदों पर भारत को 4 रनों की जरूरत थी। वहीं चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या रन नहीं बना पाए। 5वीं गेंद पर सेम्स ने वाइड यॉर्कर मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद हार्दिक के बल्ले से लगकर थर्ड मैन में 4 रनों के लिए चली गई। इस तरह भारत ने 1 गेंद रहते हुए जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज को 2-1 से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 और भारत ने दूसरे टी20 को अपने नाम कर लिया था। तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा था। कैमरन ग्रीन ने 21 गेंदों में 62 रन, टिम डेविड ने 27 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली। जवाब में टीम इंडिया ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर ताबड़तोड़ 67 रन बनाए। वहीं विराट कोहली ने 48 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने अपने घर में 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में हराने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया को 2013 के बाद से टी20 सीरीज में नहीं हरा सकी थी। 2007 और 2013 में उनसे 1-1 मैच की सीरीज को अपने नाम किया था। अब टीम इंडिया 9 साल बाद पहली बार कंगारुओं को अपने घर में सीरीज हराने में सफल रही। 2017-18 में सीरीज में 1-1 की बराबरी पर छूटी थी, तो 2018 और 19 में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत हासिल की थी।